नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल एमसीक्यू में। फ्रेंड्स, हम आपके साथ 4000 एमसीक्यू की जो पीडीएफ है उसे आपके साथ जो है डिस्कस कर रहे हैं हमारे टेक्निकल एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18 क्लास हमारी पहले ही हो चुकी हैं। आज जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो है 19 क्लास। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इन पहले क्लासों को नहीं देखी है जो हमारी प्रीवियस क्लासें हो चुकी हैं, जो कि 18 क्लास पहले हो चुकी हैं, तो आपको यहाँ आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है। आप वहाँ जाकर पहले सभी क्लासों को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत सारे अच्छे टॉपिकों को पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो आज हम करने वाले हैं 19 क्लास, जिसमें हम सोल्डरिंग और ब्रेजिंग से ज़्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ सोल्डरिंग और ब्रेजिंग से आपका एक ना एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपके टेक्निकल एग्जाम में। तो आपको सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है, सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन हम इस यहाँ पर इस वीडियो में लेने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि हमारी इस वीडियो को पीडीएफ को हमने जो तैयार किया 4000 एमसीक्यू की, इसमें सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन है, किसी न किसी टेक्निकल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको बाय करना है तो लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर एक बार चेक जरूर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग से अब क्वेश्चन आएंगे हमारे। तो जो पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से ध्यान से देखें, 86वां क्वेश्चन है, यानी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, सोल्डरिंग बिट के लिए उत्तम पदार्थ कौन सा होता है ये बताना है फ्रेंड्स आपको। तो बताइए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर ऑप्शन का जो राइट आंसर भी दिख ही रहा है तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कॉपर। जैसा कि आपने देख ही लिया है, सोल्डरिंग बिट के लिए कॉपर सबसे जो है बेस्ट मटेरियल होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जल्दी ऊष्मा का सुचालक होता है। कुल मिला के बात ये है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इसके हर यहाँ पर हर आंसर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया इस पीडीएफ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सोल्डरिंग बिट के लिए तांबा उत्तम पदार्थ है, यह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, इसके द्वारा अनेक विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये विद्युत का जो है वो सुचालक है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, क्या है ये रहा आपके सामने, ड्राई सोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसका परिणाम हो सकता है डीआरडीओ मशीनिस्ट की परीक्षा में, ये क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आईओएआर के 2016 परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसके ऑप्शन में आपको बता देता हूँ यहाँ पर मिलेंगे। ये रहे आपके ऑप्शन 87 क्वेश्चन के लिए, ये रहा शॉर्ट सर्किट, खुला सर्किट कोई प्रभाव नहीं है, ड्राई सोल्डर नामक कोई पद नहीं होता है। तो बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो सकता है? यहाँ जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, ड्राई सोल्डर नामक का कोई पदार्थ नहीं होता, पद नहीं है, पदार्थ लिखा है यहाँ पर, मिसप्रिंट हुआ। तो आप यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, क्या है ध्यान से देखें, BHEL हैदराबाद फिटर की परीक्षा जो हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या है, किसी प्लेनर में कार्य का संपादन निम्नलिखित विधि द्वारा होता है, किस विधि से होता है, प्लेनर में बताना है आपको। तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, टेबल की गति द्वारा हम करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ इस बॉक्स में क्या लिखा है, किसी प्लेनर में कार्य का संपादन टेबल की गतिविधि द्वारा होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि होगा 89, क्या है ध्यान से देखें, सोल्डर इज एन एलॉय कॉन्स्टिंग ऑफ, तो मतलब सोल्डर मिश्र धातु बनी होती है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है सोल्डर किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है, UPRVUNL के टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड पेटर के परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर क्या है ये बताएं मुझे। यहाँ जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, सोल्डर जो होता है हमारा, जो ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं, टिन और लेड, मतलब सीसा और टिन की मिश्रित धातु है हमारी सोल्डर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत से लोगों को इसका राइट आंसर पता था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि है 90, ये रहा आपका क्वेश्चन, ध्यान से देखें, सर्वश्रेष्ठ जोड़ वह होते हैं जिसमें सोल्डर की मोटाई परिवर्तित होती है, बेस्ट ज्वाइंट आर दोज इन विच थिकनेस ऑफ सोल्डर वेरीज बिटवीन। तो फ्रेंड्स, कितने mm में होते हैं ये आपको बताना है, सोल्डर की मोटाई। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है, 0.0075 एंड 0.05 mm उसकी होना चाहिए मोटाई, सर्वश्रेष्ठ जोड़ के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि 91 है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को भी, आप हवी क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्टिव ही मिलेंगे आपको, एसरो टेक्नीशियन प्लम्बर की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, सीट धातुओं को खालिस्तान से जोड़ा जाता है, सीट मेटल और जॉइंट बाय, तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी सोल्डरिंग के द्वारा हम सीट धातुओं को जो है हम जोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 92, क्या है ध्यान से देखें, ये रहा 92 क्वेश्चन, ब्रेजिंग इज डन एट ए टेम्परेचर, ब्रेजन को
या ब्रेजिंग को खालिस्तान तापमान पर किया जाता, तो नीचे मैं आपको ऑप्शन भी बता देता हूँ ब्रेजिंग के लिए किस तापमान पर करना चाहिए हमें, ये ऑप्शन रहे, बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको बता देता हूँ राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, यानी कि अबव 450 यानी 450 डिग्री से ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ 450 से ऊपर ब्रेजिंग की जाती है, और सोल्डरिंग की बात कर लें तो 450 से नीचे की जाती है। तो सिंपल आप यहाँ पे ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि होगा 93 क्वेश्चन सोल्डरिंग और ब्रेजिंग से, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन से धातुओं का प्रयोग सोल्डर लगाने वाले मिश्र धातु में नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से देखा करें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो यहाँ जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी, एंटीमनी के लिए हम सोल्डरिंग का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं इस बॉक्स में भी लिखा है एंटीमनी पर सोल्डरिंग नहीं किया जा सकता है, सोल्डर में टिन तथा लेड का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, क्या है ध्यान से देखें फ्रेंड्स आप। ये रहा आपका 94 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टाका लगाने की प्रक्रिया का लाभ नहीं है, ये बताना आपको, मतलब सोल्डरिंग करेंगे तो कौन सा लाभ नहीं होगा। यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी को, आप ध्यान से देखें क्या लिखा है, ब्रेजिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि होगा 95, क्या है टाका लगाने की प्रक्रिया का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नरम टाका, इसको बोलते हैं नरम टाका, मतलब सॉफ्ट सोल्डरिंग कह सकते हैं आप इसे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि ये रहा आपके ध्यान से देखना है, टाके का गलनांक बिंदु अधिकतर खालिस्तान होता है, तो शोल्डर का गलनांक बिंदु बताना है फ्रेंड्स आपको। यहाँ जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, 450 डिग्री से नीचे होता है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है प्रीवियस में, यहाँ जो राइट आंसर है 450 डिग्री के नीचे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97, क्या है ध्यान से देखें, निम्न में से किसमें टांका लगाना कठिन है, कौन से धातु में टांका लगाना जो है थोड़ा कठिन माना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने, ध्यान से देखें राइट आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको 97 क्वेश्चन के लिए, वो है ऑप्शन डी, निकिल धातु में टांका लगाना कठिन होता है, जैसा कि आप मैं इसमें पढ़ रहा हूं ध्यान से देखें, निकिल धातु में टांका लगाना कठिन होता है। निकिल एक रासायनिक तत्व है जो रासायनिक रूप से संक्रमण धातु समूह का सदस्य है, यह एक सोए चांदी रंग की धातु है। निकिल हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक पतली सुरक्षा दायनी पतली परत बना लेता है, जिससे अंदर की धातु बची रहती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है आंसर को। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस पीडीएफ को बाय करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मात्र 100 रुपये की ये पीडीएफ है। इसका पहले हमने प्राइस जो रखा था वो था 150, लेकिन इसको हमने जो है कम करके जो है 100 रुपीज़ कर दिया केवल आपके लिए, क्योंकि आप लोग कह रहे थे मुझसे कि सर इसे कम कीजिए, तो मैंने और भी कम कर दिया। अगर आप इसी पीडीएफ, इसमें तो केवल 4000 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन केवल 1000 के क्वेश्चन की पीडीएफ कई चैनलों पर 600-700 रुपए में बिक रही है। तो फ्रेंड्स आप जो है कंपेयर कर सकते हैं कि हम कितने कम प्राइस में इस पीडीएफ को आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। तो अगर आपको ख़रीदना है तो एक बार आपको लिंक जरूर जो है चेक कर लेना। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आपको कौन से टॉपिक से आगे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसी टॉपिक से आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है ये भूलना मत आप। 98 क्वेश्चन है, टांका लगाना एक प्रक्रिया है, तो कौन सी प्रक्रिया है ये बताना है आपको, किस प्रकार की प्रक्रिया, डीएमआरसी मेंटेनर फिटर की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बताइए राइट आंसर क्या है। यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पीतल जस्ते का प्रयोग करते हुए कठोर टकाई करने की प्रक्रिया को टांका लगाना कहते हैं। टांका लगाना एक प्रक्रिया है जिसमें पीतल जस्ते का प्रयोग करते हुए कठोर टकाई की जाती है, मतलब शोल्डरिंग की जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि ये 99वां, क्या है 99, सोल्डर का गलनांक खालिस्तान है। तो फ्रेंड्स सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सोल्डर का गलनांक कितना होता है। नोएडा मेट्रो मेंटेनर फिटर की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आगे भी ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाने की संभावना है। राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन है 205 डिग्री होता है सोल्डर का गलनांक। ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100, क्या है ध्यान से देखें, ये रहा 100 क्वेश्चन, ब्रेजिंग में सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला अभिभावक यानी फ्लक्स का दूसरा नाम अभिभावक होता है हिंदी में, तो क्या होता है ये बताना आपको। ब्रेजिंग के लिए पता होना चाहिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन है बोरेक्स का प्रयोग करते हैं ब्रेजिंग में फ्लक्स के रूप में। आगे बढ़ते हैं, 101 क्वेश्चन क्या है हमारा, 101 क्वेश्चन है हमारा, ये रहा आपके सामने ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन, एक सोल्डरिंग जोड़ है, इस सोल्डरिंग ज्वाइंट इज किस प्रकार का जोड़ है ये बताना है आपको। यहाँ जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, ब्रेजिंग से छीण, मतलब ब्रेजिंग की तुलना में कमजोर ज्वाइंट होता है हमारा सोल्डरिंग ज्वाइंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है हमारा, ये रहा आपके सामने 102वां क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने, ये देख लीजिए,
प्रायः शोल्डर का गलनांक होता है, कितना होता है? फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन हमारा। यहाँ जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है बिलो, 450 डिग्री से नीचे होता है, पहले ही बता चुका हूँ क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 103, क्या है ध्यान से देखें, ये रहा आपका क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी विधि सोल्डरिंग की नहीं है? तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन बी आप देखेंगे कि जो बेल्ट सोल्डरिंग होती है वो सोल्डरिंग की विधि नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, क्या है ध्यान से देखें। ब्रेजिंग प्रक्रिया में सामान्यतः उपयोग फ्लक्स कौन सा होता है? फिर से रिपीट हो रहा है, ऑप्शन डी बोरेक्स है। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं कि जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो होते हैं आईएमपी क्वेश्चन, बार बार इसलिए रिपीट होते हैं ताकि आप लोग उसे अच्छे से याद कर लें। तो ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में, अभी से मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप इसे अच्छे से याद कर लें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डरिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सोल्डर सामान्यतः खालिस्तान का मिश्र धातु होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी फिर से रिपीट हो रहा है, यहाँ जो ऑप्शन बी है जो राइट आंसर है, टिन और लेड की मिश्रित धातु होती है। यहाँ मैं आपको बता दूँ ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हमारी वीडियो का ये जो क्वेश्चन होगा वो लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि लगभग मैंने 30 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ, ये तीसरा सॉरी 30वां ही क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से देखें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो जो है हमारी लंबी ना हो, आप लोग पूरा वीडियो देखें। क्या है कि मैं 20 मिनट की वीडियो तो मैं बना दूंगा जो कि पहले से भी अपलोड है हमारे चैनल पर, लेकिन क्या आप लोग देखते नहीं हैं पूरा, तो फिर क्या होता है मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मात्र 10-15 मिनट की वीडियो बनाएं हम, लेकिन आप क्या पूरी मेहनत करें, क्योंकि मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप भी पूरा वॉच करें वीडियो को, आपका केवल आपका ही फ़ायदा है इसमें, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। निम्न में से किस एक को शोल्डर करना कठिन है, यह क्वेश्चन है हमारा, राइट आंसर भी बता देता हूं मैं आपको। ऑप्शन ए निकिल को शोल्डर करना जो है कठिन है, ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर है। फ्रेंड्स यहां पर हमारी वीडियो समाप्त होती है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको आगे की वीडियो जो है वो सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। और एक बात और, टेक्निकल MCQ का व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है हमने बना दिया है, और टेलीग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं, तो अगर आपको ज्वाइन करना है दोनों चैनलों को तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, वहां जाकर आप आसानी से देख सकते हैं और उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।